आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बम्पर जीत हासिल की है। इसी के साथ पार्टी को भी ढेर सारी सौगात मिल चुकी है। अब क्षेत्रीय आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए अपना खून पसीना बहाने वाले संस्थापक कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी है। वार्ड 31 एस वेस्ट सागरपुर से संस्थापक कार्यकर्ता और सदस्य पूर्व राष्ट्रीय परिषद साक्षी राजपूत, जिन्होंने पार्टी की हर जिम्मेदारी को निभाया है और पार्टी के लिए दिन रात काम भी किया है। पंजाब की जीत के मौके पर साक्षी राजपूत ने न्यूज फोल्डर से खास बातचीत की। चुनाव की तस्वीरों साफ हो चुकी है और नतीजे हम सबके सामने हैं। 56 साल बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बम्पर जीत के साथ इतिहास रच दिया है। इस पर हमने तमाम नेताओं से बात की, रिएक्शन लिया और इसी पर मौजूद हमारे साथ साक्षी राजपूत, जो वार्ड 31 एस वेस्ट सागरपुर से मौजूद है हमारे साथ। जानेंगे कि आखिर उनका क्या रिएक्शन है। साक्षी जी, किस नज़र से देखते हैं जीत को? पहले तो मैं नमस्कार, मैं साक्षी राजपूत वार्ड 31 एस वेस्ट सागरपुर द्वारका विधानसभा से हूँ एंड काफ़ी पुरानी कार्यकर्ता यहाँ से रही हूँ। जो हम सब चीज़ें कर पा रहे हैं, सबको उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद की हमारी पंजाब में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ जीत हुई है। और ये मान्य हमारे मुख्यमंत्री जी का जो त्याग है, वरिष्ठ पदाधिकारियों का त्याग और संगठन और कार्यकर्ताओं की जीत है। और इस पे हम यही कहना चाहेंगे, जो दिल्ली मॉडल ने काम किया है, पंजाब में भी हमने वही उसी पर काम किया है। बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो कि लाइव देख चुके थे और लाइव देख कर गए थे दिल्ली से, तो जो उन्होंने पंजाब में चीज़ें फैलाई और पंजाब की जनता ने जो हमारे आम आदमी पार्टी पर विश्वास दिखाया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो अभी वहाँ से कार्यकर्ता और भाई सभी जीत कर आए हैं, संगठन के सभी साथी, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसके साथ साथ मेरा यही कहना है, जो इतने बड़े बड़े धुरंधर जो वहाँ पे हमारे हार चुके हैं या हार रहे हैं, और उनका वही वजह है कि जो इस पार्टी का त्याग है, जो बड़े लोगों ने, जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं इस वक्त हमारे कमिश्नर पद पे काम करते, तो उन्हें इतना बड़ा त्याग किया, तो उन्हीं से ही एक प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है कि वो सेवक बने और जनता के बीच में जनता की सेवा करने के लिए आए और जनता को बहुत अच्छा लग भी रहा है और जनता वो चीज़ हमें दे भी रही है। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी ने जो इतना बड़ा त्याग किया, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी सिस्टम में आने की, वो एक अच्छी खासे डेजिग्नेशन पे थे, सब भी हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी प्रोफेशन में थे, वो खुश थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर जब हमने देखा कि सिस्टम में इतनी करप्शन, इतनी चीज़ें चल रही हैं, तो वो लोग उठ के आए, हम भी उनसे इंस्पायर हुए और हम उन इंस्पिरेशन को लेते लेते आगे बढ़े। तो हमने पहले दिल्ली पे विजय हासिल की, उसके बाद पंजाब में हासिल की और अब हम MCD की बारी है। और इसमें थोड़ा सा मैं इसमें जानना चाहूँगा, MCD की आप बात कर रही है, अभी अटकलों का बाजार गर्म है, कोई ऑफिशियल अनाउंस नहीं है कि चुनाव लेट हो सकते हैं? चुनाव का तो देखिए ऐसा है, अभी हमें सबको पता है कि सेंट्रल में सब चीज़ें कैसे चल रही हैं और अभी जो रिजल्ट आए हैं, जो नतीजे आए हैं, थोड़ा सा वो चीज़ों को बैक में पुश बैक करने के लिए हमारे सेंट्रल के लोग या हमारी सेंट्रल चीज़ें इस तरह से की जा रही हैं कि इलेक्शंस को डिले कर दिया जाए, ताकि उनको अपनी हार सामने नज़र आ रही है और उनको दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ MCD में भी उनको पछाड़ जाएगी, जिस चीज़ से वो डरे हुए हैं और डरने के लिए वो उन चीज़ों को पीछे कर रहे हैं। और उसके साथ साथ थोड़ा सा जो आम आदमी पार्टी वजूद में आई है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और आज आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन चुकी है। बहुत कम समय में बहुत लंबा सफ़र हम लोगों ने तय कर लिया, आम आदमी पार्टी ने तय कर लिया है। और उसके साथ साथ जो हमारा, जहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिलती थी, पंजाब के हमारे भगत सिंह जी वहीं से ही आते थे और वहीं से ही हम लोग उनसे इंस्पायर हुए पूरे सब लोग, उसी जगह पर आज हम शपथ लेने जा रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि इससे बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए कोई हो सकता है। और जो अभी चुनाव को डिले कर दिया जा रहा है, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या है, ऐसा कभी नहीं हुआ इतने लंबे इतिहास में। तो ये जो इतना करप्शन मच चुका है MCD के अंदर, तो ऑपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है कि जिसको वो मॉडल बना के उतार सके और चुनाव को टाइमली करा सके। हमारे अभी जब UP में इलेक्शंस चल रहे थे, तो उसमें क्या था, इतनी कोविड था, सब चीज़ें होने के बावजूद भी वहाँ पे इलेक्शंस करवाए गए लोगों की जान की परवाह ना करते हुए, लेकिन अब तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टिल ये चीज़ें आ रही हैं कि हम चुनाव को डिले कर सकते हैं और MCD के चुनाव डिले हो सकते हैं। लेकिन हमारा पहले वहीं से ही शुरुआत हुई थी जब हमने दिल्ली में शुरुआत की इंडिया अगेंस्ट करप्शन और दिल्ली अगेंस्ट करप्शन, और हमारा सिर्फ इतना ही नारा है, MCD अगेंस्ट करप्शन।
धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ साक्षी राजपूत, जिनको साफ तौर पर देखा गया कि एनर्जी से बात की, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बात की, और पंजाब की जीत हर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के लिए एक संजीवनी का काम कर रही है, और ये संजीवनी ऊर्जा कितनी वोटों में बदलेगी फिलहाल इस सवाल का जवाब नहीं, लेकिन उम्मीद पूरी कायम है। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ फोल्डर, दिल्ली।